Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal and today we are going to start a new session regarding vocabs. तो आज हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़े हैं और जो आज हमारा सेशन है वो किस पर बेस्ड है, वोकेबलरी पर बेस्ड है और वोकेबलरी जो हमारी बेस्ड है वो किससे रिलेटेड है, रूट वर्ड से हम मिलाकर उन दोनों को पहचान कर उसे पढ़ेंगे. तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोबिया. फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है, भय होता है ना, जो जैसे हम एंजाइटी फील करते हैं उसको डरने से उसको करने से डरते हैं या देखते हैं तो डर जाते हैं. तो ऐसा हर वो काम, हर वो चीज़, हर वो सिचुएशन जिसे हम डरते हैं, हमको डर लगता है, एंजाइटी फील होता है, एक डिसऑर्डर टाइप में होता है, वही हमारा फोबिया होता है ना. तो ये हर किसी को होता है, किसी ना किसी को. किसी को कीड़े से डर लगता है, किसी को छिपकली डर लगता है, किसी को पढ़ने से डर लगता है, किसी को बड़े बड़े शब्दों से डर लगता है ना. तो सबका एक अलग फियर होता है अपना एक, है ना. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपके फियर क्या क्या हैं, आप किस चीज़ से डरते हो. तो आज यही स्टार्ट करते हैं, आज हमारा यही टॉपिक है ना, फोबिया. तो फोबिया का मतलब, अच्छा इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, दुर्भीति होता है ना, जिसका मतलब ये होता है डर होता है एक तरह से, है ना. और एक कैसा डर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना. तो पहला हमारा टॉपिक देख लें आप, क्या लिखा हुआ है, फोबिया लिखा हुआ है. फोबिया मतलब डर होता है ना. तो स्टार्ट करते हैं, चलिए. तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते कि व्हाट इज़ फोबिया. तो बेसिकली फोबिया इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. मतलब कि जो फोबिया है वो एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है ना. डिफाइंड बाई, और कैसे इसको हम कैसे परिभाषित किया जाता है, परसिस्टेंट, जो परसिस्टेंट लगातार, इरेशनल, है ना, अतार्किक, मतलब रियल में ऐसा नहीं होता है ना. लेकिन हम इसको पहले हम देख लेते हैं इसकी शब्दशः मीनिंग, फिर उसके बाद हम पूरा आपको बता देंगे इसका मीनिंग क्या है. फिर से देख लेते हैं. फोबिया is a type of anxiety disorder defined by persistent, irrational, excessive, unrealistic fear of an object, person, animal, activity or situation. मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, फोबिया एक तरह का क्या होता है, का हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ना, जिससे हम परेशान होते हैं. और इसको हम कैसे परिभाषित कर किया जा सकता है, इसको परसिस्टेंस, जो लगातार क्या होता है कि मीन्स इरेशनल, मतलब अतार्किक, उसमें कोई तर्क नहीं लगता है ना. एक्सेसिव, बहुत ही ज़्यादा. अनरियलिस्टिक मतलब कि वास्तविक नहीं होता है. और फियर होता है, किसका डर होता है, ऑब्जेक्ट का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, एक्टिविटी का हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो, है ना. इन सब का हमको डर हो सकता है. मान लो किसी को ऊंचाई से डर लगता है, वो क्या एक सिचुएशन है. किसी को प्लेन्स में सफ़र करने में डर लगता है ना, किसी को पढ़ने से डर लगता है, किसी को इंसेक्ट से डर लगता है, किसी हर चीज़, सभी को अपने अपने चीज़ों से, सबका अलग अलग फियर होता है. किसी को होल से डर लगता है, कहीं बड़े बड़े छेद हैं उनसे, तो उनसे डर लगता है ना. तो सबका अपने, किसी को डॉग से डर लगता है. ये क्या है, फोबिया है. वही ये इरेशनल होता है, है ना. कि अब मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई, अब आप उसको डर लगता है, एंजाइटी फील होता है, डिसऑर्डर फील होता है, आपकी बॉडी में एक तरह की सिहरन होने लगती है, है ना, कपकपी टाइप में होने लगती है. मतलब आप बॉडी में सेंसेशन बहुत बड़ी तेज़ी से होता है, आप उसको देखते हो तो आप सेंसेशन बॉडी में होने लगता है. तो यही आपका फोबिया होता है, जो इरेशनल होता है, मतलब तार्किक, उसमें कोई तर्क नहीं लगता है. वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, फिर भी हमको डर लगता है ना. तो हिंदी में देख लेते हैं भाई इसका मीनिंग क्या है. दुर्भीति या फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है. मतलब एक मन का विकार है, रियल नहीं हो सकता है ना. तो मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों, है ना, या क्रियाओं से क्या होता है, डर लगने लगता है, यानी उनकी उपस्थिति में घबराहट होती है. अगर वो सिचुएशंस होती, वस्तुएं होती हैं, तो उनसे हमको डर की अनुभूति होती है ना. जबकि वे चीज़ें उस वक्त खतरनाक नहीं होती. उस वक्त का खतरनाक होने का मतलब, जिस समय हमको डर लगता है उस वक्त हमको खतरनाक रियल में नहीं होती, वास्तविकता में नहीं होती हैं. यह एक प्रकार की चिंता की बीमारी है, मतलब आप परेशान होते हो, है ना. तो आई थिंक आपको फोबिया का मतलब समझ में आ गया होगा. डर होता है, भय होता है, या एक मनोविकार होता है, मन का विकार है, है ना, जो मन में हमारे उत्पन्न होता है. तो ये एक हमारे डेफिनेशन हो गई, है ना. अब चलते हैं कि बेसिकली जो मेजर टाइप्स ऑफ फोबियाज हैं जिनके डर हैं, हम किस पे डिसाइड करते हैं. एनिमल का डर हो सकता है, फियर ऑफ स्नेक, कैट्स, बर्ड्स, रोडेंट्स, मतलब इस तरह के कई तरह के जो एनिमल्स का हमको फियर होता है. एक हमारा होता है मेडिकल
फियर ऑफ सीइंग ब्लड हो जाता है, विजिटिंग डॉक्टर हो जाता है, उनके टूल्स होते हैं उनसे हमको डर लगता है, या क्लिनिक पर हमको जाने से डर लगता है, डॉक्टर को ही देखते तो डर लगने लगता है, या वाइट हमने देखा तो उनका कोट देखा तभी हमको डर लगने लगता है। अच्छा, इसमें नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, 1, 2 हो चुके हैं, 3rd होना चाहिए था यहाँ पर, क्या होना चाहिए था, है ना, ये आपका जो फर्स्ट नंबर है ये 3rd होना चाहिए था, है ना, और ये जो हमारा सेकंड नंबर ये क्या होना चाहिए था, 4th होना चाहिए था। तो बेसिकली हमारे 3rd 4th हो गए। 3rd पे कौन है, नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, जैसे फियर ऑफ लाइटिंग, वाटर, स्टॉर्म्स, मड स्लाइड्स, मतलब इतना बिजली धड़कती है, गड़कती है ना, वाटर पानी से डर लगता है, तूफान से डर लगता है ना, जब बिजली धड़कती है नॉर्मली क्या होता है, लोग मीन्स मम्मी के पास पापा के पास बच्चे थे तो हम क्या होता है चिपक जाते थे उनको, है ना, डर लगता है, अभी भी कहीं डर लगता है ना। सिचुएशन हो, सिचुएशनल फियर, जैसे ब्रिज पर जा रहे हो, कहीं ऊंचा ब्रिज है, डर लगता है आपको, है ना, लिविंग होम, है ना, ड्राइविंग, इन सब से क्या होता है कि आपको डर लगता है, कि मतलब आप एक तरह के इरेशनल होता है, अतार्किक होता है, इसमें कोई तर्क नहीं लगता, बस आपको डर लगता है तो लगता है ना। तो ये हमने देख लिया कि इनके बेसिक हमारे पास टाइप्स 4 हैं, है ना, और भी इनको कई तरह से डिवाइड किया जा सकता है। तो चलिए हम विदाउट गेटिंग लेट अपने पहले वाले वर्ड पे आते हैं, हमको है ना, जो आप देख पा रहे क्या लिखा हुआ, बिब्लियोफोबिया, हाँ बिब्लियोफोबिया है ना, बिब्लियो प्लस फोबिया है ना, तो बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स होता है, फोबिया का मतलब डर होता है ना, तो बिब्लियोफोबिया का मतलब क्या होता है, जो फियर ऑफ बुक्स, मतलब आपको किताबों से जब डर लगे तो वही क्या होता है कि बिब्लियोफोबिया। आप मूवी पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो मैन है वो परेशान है बेचारा ना, इधर भी बुक्स रखी, उधर भी बुक्स रखती है। हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, रियल लाइफ में क्या देखते हैं कि जैसे आप अगर बीएससी वगैरह करें तो, या फिर आप बायोलॉजी से हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, बड़ी मोटी मोटी बुक्स होते हैं, उनको देख के ही डर लगता है। अब स्पेशली अगर आर्ट साइड वाला होगा तो उसको देखेगा तो भाई मेरे बस की तो नहीं है, उसको किनारे कर देगा ना, तो उसको डर ही लगेगा। तो जब आपको बुक्स से डर लगे, आप पकड़ते हो उनको डर लगे, देखते हो उनको डर लगे, तो क्या होता है, बिब्लियोफोबिया होता है। बिब्लियो का मतलब बुक और फोबिया का मतलब डर, है ना, तो ये हमारा पहला वर्ड हो गया। आगे चलते हैं, है ना, एर्गोफोबिया, जो एर्गो ये लैटिन वर्ड है, एर्गो आपका जो होता है लैटिन वर्ड होता है ना, ERGO, एर्गो, एर्गो प्लस फोबिया, फोबिया का मतलब डर, एर्गो का मतलब होता है वर्क। तो जब आपको काम से डर लगे, मतलब क्या होता है कि अब भाई जैसे कोई काम करने के लिए बोला ना, आपको एंजाइटी फील होने लगा, ठीक है, आपको एक मन में विकार उत्पन्न होने लगता है, डर लगने लगता है यार कौन करेगा काम, है ना, इतना सारा काम दिया, परेशान हुआ आप, है ना, डिसऑर्डर है ना, या किसी ने बता दिया चलो भाई ये काम कर लो, बस वहीं से आप परेशान होने लगे, तो ये एर्गोफोबिया हो गया। एर्गोफोबिया, अब आप पहचानो आपकी क्या है, आप में क्या मतलब विकार है, है ना, सब में होता है, है ना, तो आप किससे आप डरते हो, तो एर्गोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वर्क, है ना, काम से आपको डर लगता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। एक्रोफोबिया, फोबिया आपका हो गया, ठीक है, फोबिया हो गया डर आपका, और एक्रो का मतलब आपका हाइट होता है ना, तो एक्रोफोबिया मतलब आपको जब ऊंचाई से डर लगे, मतलब आप ऊंची जगहों से, अब जैसे मोहतरमा है, इनको आप देख रहे हो, इन्होंने नीचे लिखा हुआ आर यू एक्रोफोबिक, मतलब एडजेक्टिव की तरह इन्होंने एक्रोफोबिक एडजेक्टिव हो गया ना, कि सॉरी आर यू एक्रोफोबिक, मतलब क्या आप एक्रोफोबिक हो, है ना, कि आपको डर लगता है उस मीन्स हाइट से डर लगता है, आप वही पूछ रही हैं आपसे, है ना, तो आप सोचो मतलब इतनी ऊँचाई पर ये झोले में मैडम है ना, ठीक है, तो नॉर्मल इंसान तो देख के डर जाएगा, तो भाई इनके पास बड़ा वाला जिगरा है, है ना, तो इसलिए वो ऐसा कर पा रहे, बट नॉर्मल इंसान अगर हम लोग क्या करते, थोड़ी सी भी ऊंचाई पर जाते हैं तो हमको डर लगने लगता है ना। तो एक्रोफोबिया का मतलब था फियर ऑफ हाइट्स, जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हो, इवन कई लोग तो आप हल्का सा आके पुश कर दो तो उनको डर लगता है, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं ना, तो एक्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हाइट्स, जब आपको ऊंचाई से डर लगे तो आपको, अगर आपको लगता है तो आप एक्रोफोबिया आपको है, है ना। अगला एरोफोबिया, आप एरोप्लेन, इसी से बना हुआ एरोप्लेन है ना, तो एरो का मतलब आप वही एरोप्लेन, जब आपका ऊंचा, ये भी आपका होता है, फोबिया का मतलब डर होता है उड़ने, है ना, एरोफोबिया, तो फोबिया का मतलब डर, है ना, एरो मतलब फ्लाइंग वाला, तो जब आपको उड़ने का मतलब फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब आप जब आप जो एरोप्लेन वगैरह हवाई जहाज हैं आप इनमें सफ़र नहीं कर सकते, जैसे बहुत लोग हैं नहीं कर सकते, है ना, उनको डर लगता है वहाँ पर चढ़ने उतरने से, वहाँ पर लाइक जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, तो उन सब से जब आपको डर लगे तो आपको क्या हो सकता है, आपको एरोफोबिया हो सकता है ना, एरोफोबिया। अब भाई साहब को देख रहे हो कि बेचारे वो जो प्लेन है जा चुका है और ये परेशान है, क्यों, क्योंकि इनको एरोफोबिया था, इस वजह से नहीं चढ़ पाए, वापस चले आए, है ना, कि तो एरोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फ्लाइंग, जब आपको लाइक प्लेन वगैरह से इनमें सफ़र करने से आपको डर लगे, है ना। अगला देखते हैं,
अगला क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्टर का मतलब था, क्लस्टर का मतलब बेसिकली होता है समूह होता है, ग्रुप होता है, जब एक साथ इकट्ठा हो जाए। बट यहाँ पर आपका क्या उसी तरह उसी सेंस में है, क्लस्टर का मतलब आप संकुचित हो जाएं, संकुचित जगह पर चले। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस है ना, स्पेसेस मतलब छोटी सी जगह है उसी में आप परेशान हो रहे हैं। अब मान लो कहीं रूम है, अब उसमें बहुत सारे लोग भर दिए गए, बहुत ज़्यादा लोग भर दिए गए, अब उसमें क्या परेशान हो गए है ना, तो अब आपको उलझन उसमें हो रही, सफोकेशन हो रहा है, तो आपको क्या है क्लस्ट्रोफोबिया है ना। आप छोटी जगहों पर नहीं रह सकते, कंजस्टेड एरिया में आप नहीं रह सकते है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ में आप परेशान हो रहे तो उसमें भी आप नहीं रह सकते, तो आपका क्या होता है क्लस्ट्रोफोबिया आपका होता है। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ हो, बीच में आप फंसे हो, तो आपको क्या हो सकता है क्लस्ट्रोफोबिया हमको हो सकता है ना। तो ये हमारा ये वर्ड था। अगले नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का मतलब ये एस्ट्रो जो आपका होता है बेसिकली स्टार वगैरह से रिलेटेड होता है ना, तो एस्ट्रोफोबिया का फोबिया का मतलब है, अब एस्ट्रो देखो फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग है ना, बहुत ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है, स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं या गर्ल्स एंड वुमेन है ना, इन सबको क्या होता है लाइटनिंग से बड़ा डर लगता है ना। मतलब जैसे ही बारिश होने के पहले गर्जना होती बहुत तेज़ है ना, या फिर लाइटनिंग होती तो हम नॉर्मली डर जाते हैं, बच्चे रोए तो रोने लगते हैं, और कई बार तो बड़ों को भी ये फोबिया होता है ना, तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं। तो एस्ट्रोफोबिया का मतलब तो फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, मतलब जो गर्जना होती है, बिजली गड़कती है ना, गर्जती है, लाइटनिंग होती है बहुत ज़्यादा, लाइट बिजली की वजह से लाइट होता है, तो ये आपका यही होता है क्या एस्ट्रोफोबिया होता है। तो एस्ट्रोफोबिया का मतलब जिसको भी डर लगे किससे, थंडर और लाइटनिंग से है ना। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन। आजकल इसे सब लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई भी अलोन अकेला नहीं रहना चाह रहे हैं ना, कि अब मान लो आपका फ्रेंड है आपको छोड़ दिया, आप परेशान हो किस बात से कि मान लो अगर छोड़ देगा तो क्या होगा है ना, कैसे जाएंगे, मम्मी पापा से अलग हो जाएंगे तो कैसे, इलाहाबाद में पढ़ने के लिए आए हो है ना, आप उनसे अलग हो जाओगे तो कैसे होगा। तो ये ऑटोफोबिया, ऑटो का बेसिकली मतलब सेल्फ होता है, फोबिया का मतलब डर, आपको जब अकेले होने से आपको डर लगे है ना, फियर ऑफ बीइंग अलोन। अब जैसे ये देख रहे हो ना बेचारे परेशान है, ठीक है, तो आपको डर लगे कि आपको कोई छोड़ देगा आप, तो आपको क्या है कि मीन्स उस इंसान को क्या हो सकता है ऑटोफोबिया हो सकता है। तो ऑटोफोबिया ध्यान रखें क्या होता है, सिचुएशन बीइंग ऑफ अलोन है ना, बीइंग ऑफ अबंडन कि आपको कोई छोड़ देगा, आप अकेले पड़ जाओगे है ना, तो वही आपका क्या होता है ऑटोफोबिया होता है। तो ये हमारा वर्ड था है ना। अगला देखते हैं, अगला हर्पिटोफोबिया क्या होता है। हर्पिटो का मतलब बेसिकली आपका रेप्टाइल से होता है, रेप्टाइल्स का मतलब रेंगने वाले है ना, ज़्यादातर आपके रेंगने वाले इसमें आते हैं। तो जो रेप्टाइल्स मतलब जिनको हिंदी में बोलते हैं सरीसृप है ना, सरीसृप बोलते हैं ना, मतलब रेंगने वाले। अब इसमें आपके जैसे लेजर्ड भी आता है ना, स्नेक भी आता है, क्रोकोडाइल्स भी आते हैं है ना, क्या नाम है आपके टर्टल्स भी आते हैं है ना, तो ये सारे के सारे आपके जो होते हैं, तो सैलामेंडर होते हैं आपके है ना, तो ये इस तरह के जो इन सब से जब किसी को डर लगता है तब आपका क्या होता है, ये आपको हर्पिटोफोबिया होता है। तो हर्पिटोफोबिया बहुत सारे, जैसे नॉर्मली क्या होता है गर्ल्स को स्पेशली यही होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं लेकिन गर्ल्स स्पेशली क्या होता है उनको ये होता है हर्पिटोफोबिया होता है कि वो छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं ना, या फिर स्नेक को तो हालांकि सबसे डर लगता है, लेकिन जो हर्पिटोफोबिया में जैसे अगर लिजर्ड हो गया तो लिजर्ड से जो छिपकली होती है उनसे बहुत ज़्यादा लोगों को डर लगता है, तो उस डर को क्या बोलोगे हर्पिटोफोबिया बोला जाएगा है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या है, हम लोग कुछ कॉमन फोबियाज ली हैं, वैसे बहुत सारी फोबियाज हैं है ना, लेकिन हमने कुछ कॉमन फोबियाज ली हैं तो उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको अगर कहीं मिले तो आप पहचान सको और आप अपने डर को पहचानो है ना, कि आप किस चीज़ से डरते हो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे। तो ये हमारा मेन पर्पज़ ये है ना। गेमोफोबिया है ना, आप देख रहे हो, आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि फियर ऑफ कमिटमेंट इन रिलेशनशिप है ना, फियर ऑफ मैरिज, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या है कि कमिटमेंट से डरता हो कि भाई हमेशा के लिए उनके साथ रहना हो, शादी करनी हो, कमिटमेंट वाला हो कि भाई शादी में क्या होता है कि साथ फेरे लेते हो, जन्म जन्म का साथ होता है ना, तो आप इनसे जब कोई डरता है भाई जिसको लगता है कि भाई कैसे रह सकते हैं कि इंसान के साथ हमेशा के लिए, कैसे मैं उसके साथ रह सकता हूँ, मतलब
झेल नहीं सकता, या लाइक पीपल एक तो यही बिलीव करते हैं कि मैरिज इज़ अ हैज़र, जी का जंजाल है ना। तो ऐसे लोग जिनको अच्छा शादी जो नहीं करना चाहते, एज आई हैव हर्ड कि जो स्पेशली गर्ल्स होती हैं वो शादी नहीं करना चाहती या फिर जॉब लगने के बाद शादी करना चाहती, उनको डर लगता है पता नहीं कैसे हो इंसान कैसा मिले, है ना। या फिर मैन मेल की भी बात करें तो उनको भी लगता है पता नहीं कैसी मीन्स जो जिनसे शादी हो वो मिले हमको, है ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जब होती हैं या कमिटमेंट से डरता है कि फिर कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जा सकता मैं, अब चाहे वो फ्रेंड हो या कोई और रिलेशनशिप हो, तो जो इस तरह की जो आपको जिसको डर लगता है, एक फियर होता है, एक एंजाइटी फील होता है मन में, एक क्या होता है कि मीन्स दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वही आपका गेमोफोबिया होता है, उसको आप गेमोफोबिया बोलते हैं, है ना। तो गेमोफोबिया मीन्स फियर ऑफ मैरिज और जो कमिटेड रिलेशनशिप होते हैं उनको बोलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला क्या है, होमोफोबिया, है ना। आप देख पा रहे हो होमोफोबिया, है ना। तो आपका जैसे आपका इसी से हेमोग्लोबिन बना, तो हेमोग्लोबिन, तो उसी तरह से क्या है होमोफोबिया। अब होमोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ ब्लड, है ना, जिसको खून देख के डर लगा। भाई नॉर्मली तो सबको नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपने मूवी देखा हो टेबल नंबर 21, है ना, जो रैगिंग पर बेस्ड है, टेबल नंबर 21 परेश रावल जी की है, तो उसमें क्या होता है, जो एक्टर हैं उनको क्या होता है, जो लड़का रहता है उसको, एक्टर जो रहता है प्रोटैगनिस्ट रहता है उसको क्या होता है होमोफोबिया रहता है। तो वो मतलब वो ब्लड देखता है तुरंत बेहोश हो जाता है ना। तो मतलब जिसको भी ब्लड दिख जाए, उसको देखे परेशान हो जाए, बहुत ज़्यादा उसको डर लगे, वो देख नहीं सके, उन सबको क्या होता है, होमोफोबिया होता है। तो होमो मतलब ब्लड से रिलेटेड और फोबिया का मतलब डर। तो आई होप आपको होमोफोबिया समझ में आया, है ना। तो आप लोग पहचाने भाई किसको किसको होमोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब जल होता है ना, तो वाटर होता है, तो पानी होता है, तो हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। अब उस इंसान को भी स्पेशली जिसको डॉग्स ने जैसे बाइट कर लेते, उसको काट लेते, तो उनको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, है ना। तो पानी से डरते हैं, पानी में जाने से डरते हैं। अब जैसे मुझे भी डॉग ने काटा हुआ, तो कई बार मैं फील करता हूँ कि क्या नाम है, पानी के पास जाओ, पानी नॉर्मल पानी नहीं, जैसे आप बहुत ज़्यादा रिवर वगैरह के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर पास में जाने से डर एक तरह से फील होता है ना। तो उसको हाइड्रोफोबिया होता है, स्पेशली उन लोगों जिनको डॉग वगैरह काट लेता है और रेबीज़ के टीके नहीं, जो इंजेक्शंस वगैरह नहीं लग पाते हैं, तो इस वजह से उनको डर लगने लगता है, वो पानी के पास जाने से डरते हैं, है ना। तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी में फंसने से डर। आप मतलब देख के इतना बहुत ज़्यादा पानी हो, चाहे वो रिवर हो, कहीं और भी भरा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी भरा हो, टैंक में भरा हो, आप वहाँ जाने से डरें, तो आपको मीन्स उस इंसान को, अब इंसान की क्या बात करें, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मुझे हाइड्रोफोबिया है, क्योंकि मुझे डॉग ने काटा हुआ, ट्रीटमेंट शायद नहीं हो पाया अच्छे से, है ना। तो हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर होता है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगला, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है मिजोफोबिया, है ना। अब मिजोफोबिया क्या है, मिजोफोबिया फियर ऑफ डर्ट एंड जर्म्स, मतलब नॉर्मली मुझे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी से तो मुझे नहीं डर लगता, लेकिन नॉर्मली अगर गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो अगर हाथ में लग जाए या कहीं कुछ हो जाता है, तो अजीब सा बॉडी में एक सिहरन होता है ना, सेंसेशन होता है। तो आप देख रहे हो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो क्या हो रहा है, कि भाई साहब हाथ फैलाए हुए हैं, आप उनके एक्सप्रेशन से देखो उनको कैसा डर लग रहा हो, एंजाइटी कैसे फील हो रहा है उनको, है ना। तो रियल में कुछ करेगा नहीं, इससे कुछ होगा नहीं, आप धो दोगे साफ़ हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, मिजोफोबिया होता है। अब मूवी अगर आपने एविएटर देखा हुआ है, तो उसमें जो रोनाल्डो डिकैप्रियो हैं, है ना, तो उनको क्या है, मिजोफोबिया रहता है, वो हाथ में हमेशा पॉकेट में क्या रखते हैं कि सोप रखते हैं, साबुन रखते हैं, किसी जहाँ भी देखते तो तुरंत धुलना स्टार्ट करते हैं। और ये लोग इतना ख़तरनाक हो जाते हैं, मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं धुलने के लिए, इवन स्किन कई बार स्किन हट जाती फिर भी उसको धुलते रहते हैं ना। एक और मूवी है क्रेजी फोर, क्रेजी फोर में अपने इरफान साहब ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, तो उनको भी एक तरह से क्या है, डिसऑर्डर है, यही है मिजोफोबिया है। तो क्या करते हैं, जहाँ भी गंदगी देखते हैं तुरंत, मतलब डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर का मतलब क्रेजी फोर है, पागल है, उनको भर्ती किया जाता है अजाइलम में, है ना। तो वहाँ हॉस्पिटल है, एक अजाइलम नहीं, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर उनको रखा जाता है। तो वो क्या करते हैं, एक नर्स को, उसको थोड़ा सा क्या डर्ट लग जाता है, गंदगी हो जाती है, तो क्या रुमाल से लेकर उसको पोंछना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ये फियर ऑफ डर्ट एंड जम्स, मतलब जो मेजोफोबिया होता है वो क्या होता है कि डर लगता है उनको, मतलब एक
अजीब सा फील उनको होता है कि वो उन सब चीज़ों को क्लीन करना चाहते हैं। जैसे मैं इसके पहले मैं जहाँ पर रहता था, मैं जहाँ पर रूम पर रहता था, कि वो जो लैंडलॉर्ड थे उनको भी एक तरह से था कि मिज़ोफोबिया था। वो क्या करते, गंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते, तुरंत अगर उनको कहीं गंदगी दिखा या कोई निकल देता था तुरंत उसको लेके पानी से साफ़ कर देते थे, है ना। तो ये मिज़ोफोबिया वाले हैं जिनको डर्ट्स वगैरह से डर लगता है, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारा देखते हैं क्या है ना, पायरोफोबिया। ये वर्ड आप पढ़ चुके हो, पायर होता है, पायर का मतलब चिता होता है ना, तो पायरोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फायर। लगभग सभी को लगता है डर, है ना, फियर ऑफ फायर मतलब जिसको आग से डर लगे, लपटों से डर लगे, फंस जाने का उसमें डर लगे, एंजाइटी उसको दूर से ही फील हो, है ना। आप पहले से पढ़ चुके हो, अब भाई वो वहाँ पर जाएगा तो डर लगेगा, है ना, उस सिचुएशन में फंसेगा तो डर लगेगा, लेकिन जिस समय बात हो रही होती है फिर भी वो जो आग का नाम सुनते हैं उनको डर महसूस होने लगता है, मतलब अजीब सा उनको फील होने लगता है, उनके एक्सप्रेशन को देखकर पहचाना जा सकता है। तो ये क्या होता है, ये फोबिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि उस टाइम पर वो सिचुएशन नहीं भी होती फिर भी उनको डर लगता है ना, तो वहाँ पर ये मिज़ोफोबिया होता है, है ना। अगला चलते हैं, ठीक है, सिनोफोबिया या साइनोफोबिया जिसको ऐसे पढ़ सकते हैं ना, सिनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स, है ना। बेचारे डॉग्स, जैसे आप मूवी में जो पिक्चर है या फिल्म है इसमें आप देख पा रहे हो क्या है, है ना, बेचारा परेशान है। अब डॉग ने क्या हुआ, मतलब बस ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, है ना, और उसको देख के ही वो परेशान हो। एक्सप्रेशन आप उसके देखो, एक्सप्रेशन देखने के बाद आपको तुरंत लग जाएगा कि इसको कैसे एंजाइटी फील, कैसे उसको एंजाइटी फील हो रहा है, कैसे उसको डर लग रहा है। तो सिनोफोबिया का मतलब क्या होता है, है ना, कि फियर ऑफ डॉग्स। जब आपको डॉग से डर लगे, है ना, जो कुत्ते होते हैं उनसे डर लगे, तब आपका क्या होता है, सिनोफोबिया हो सकता है, है ना। लेकिन मैंने बताया कि सिर्फ आप नाम लो डॉग्स का, वो परेशान हो जाए, है ना, तब बेसिकली फोबिया। अब आप इस जो ये हमारा वर्ड है इसको आप देखकर ही आप परेशान हो जाओगे, तो इतना बड़ा वर्ड है ये, इसमें 36 लेटर्स हैं, है ना। तो जो फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स होता है उसको क्या बोलते हैं, आप इसको पढ़ के देखिए, हिप्पोपोटामोन्स्टरस सिस्कोपेडलोफोबिया। इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ, इसका पूरे का प्रोनंसिएशन क्या है कि हिप्पोपोटामोन्स्टरस सिस्कोपेडलोफोबिया, रिपीटिंग, हिप्पोपोटामोन्स्टरस सिस्कोपेडलोफोबिया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप इसको पढ़िएगा, है ना। आप इसको कैसे पढ़ोगे, हिप्पोपोटामोन्स्टरस सिस्कोपेडलोफोबिया, हिप्पोपोटामोन्स्टरस सिस्कोपेडलोफोबिया, है ना। तो ये इसका प्रोनंसिएशन है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आप बड़े बड़े शब्द को देखकर आपको डर लगे तो आप क्या पढ़ोगे, इस वर्ड का क्या मतलब होता है कि फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, मतलब हिप्पोपोटामोन्स्टरस सिस्कोपेडलोफोबिया, इसका मतलब ये होता है कि फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, मतलब बड़े बड़े शब्दों को देखकर आपको जब डर लगे तो आपको क्या हो सकता है, हिप्पोपोटामोन्स्टरस सिस्कोपेडलोफोबिया हो सकता है। सो ये आज का हमारा सेशन था, आपने कुछ हमारे जो वर्ड्स देखे, आपने अपने फियर को आई होप कि आपने पहचाना होगा कि आपको किन चीज़ों से डर लगता है, है ना, तो उनको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। सो ये आज के हमारे कुछ रिलेटेड वोकैब्स थी, फोबिया से रिलेटेड वोकैब्स थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।